हेलो दोस्तों, इंटरनल एक्सपेंडिंग शो टाइप ब्रेक्स, यस, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से काम करते हैं, कैसे इनका कंस्ट्रक्शन होता है और कैसे ये असेंबल किए जाते हैं और किस प्रकार से ख़राब होने के बाद हम इसको रिपेयर कर सकते हैं। यहाँ पर एक टोटली असेंबली दिखाया गया है जिसके अंदर ब्रेक शूज लगे हुए हैं इंटरनल एक्सपेंडिंग टाइप। ये एक व्हील सिलेंडर है और दो शूज हैं। इंटरनल एक्सपेंडिंग इसलिए बोलेंगे क्योंकि जब भी ये काम करेंगे तो इस व्हील सिलेंडर की वजह से एक्सपेंड होंगे और इसके ऊपर एक ड्रम लगा रहेगा। ड्रम के ऊपर हमारा लगता है व्हील, तो ये आप बाहर की तरफ फैलेंगे और फैलने की वजह से उस ड्रम को पकड़ लेंगे और बाहर से हमारा व्हील रुक जाएगा। इस प्रकार से काम करते हैं, इसलिए हम इनको बोलते हैं इंटरनल एक्सपेंडिंग टाइप। दूसरे ब्रेक होते हैं एक्सटर्नल कॉन्टैक्टिंग टाइप, जो बाहर से अंदर की तरफ ड्रम को पकड़ते हैं। तो ये इस टाइप के ब्रेक हैं। इस ब्रेक में आप देख सकते हैं कितनी इसकी बुरी हालत हो चुकी है। ये कारण हुआ है क्योंकि ये एक्सपेंडिंग टाइप ब्रेक है। जैसे हम एक्सपेंड करेंगे तो यहाँ पर जाके ये ड्रम लगा हुआ ड्रम को पकड़ेंगे और ये देखिए ड्रम के अंदर बिल्कुल स्क्रेचेज आ चुके हैं। कारण क्या है कि व्हील सिलेंडर हमारा जाम होने की वजह से ये ब्रेक शूज वापस नहीं आए और वहीं पर जाकर चिपक गई, जिसकी वजह से ये देखिए शूज बिल्कुल घिस चुके हैं और लाइनिंग तक ये पहुँच गए, लाइनिंग रह गई है। और ये लाइनिंग जब भी जाकर उस जो ड्रम है उससे रगड़ती है तो रगड़ने की वजह से ये ब्रेक एक अलग सा साउंड क्रिएट करता है और ब्रेक नहीं लगते हैं। ये स्पेशली फोर्कलिफ्टर की असेंबली है, जो फोर्कलिफ्टर्स हम यूज करते हैं इंडस्ट्रियल एरिया में। यहाँ पर ये सॉफ्ट है और ये टोटली पूरी असेंबली इसकी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे ये काम करता है और कैसे इसका कंस्ट्रक्शन होता है। ये इसका एक्सल है जहाँ पर ये फिट किया जाता है। यहाँ से एक सॉफ्ट आएगी, जो सॉफ्ट हमने दिखाई है वो सॉफ्ट इसके अंदर चली जाएगी और यहाँ से ड्राइव लेगी और ड्राइव लेने के बाद में वो ड्राइव क्या आएगी कि डबल रिडक्शन होगी। और यहाँ पर एक, क्योंकि हमें टार्क की ज़रूरत है, स्पीड कम हो जाएगी और टार्क होने के बाद में यहाँ पर पावर आउटपुट होगी इस सॉफ्ट के द्वारा। यहीं पर हमने खोल दिया है तो यहीं पर व्हील सिलेंडर लग जाएगा इस होल के पास और यहीं से दोनों तरफ लग जाएंगे हमारे ब्रेक शूज। और ये ब्रेक शूज जो लगेंगे वो उनके ऊपर लग जाता है एक ड्रम, जो ब्रेक शूज की वजह से रुकता है और उसके ऊपर लगते हैं व्हील, जो हमारे इस जो ब्रेक है इसके द्वारा रुकता है। ये सॉफ्ट वो सॉफ्ट है जिसके द्वारा ये देखिए, जैसे देख सकते हैं आप, छोटा गियर जो है वो आउटपुट सॉफ्ट के लिए आया है और यहाँ पर ये जो बड़ा व्हील लगा हुआ है ये बिल्कुल ब्रेक वाले जो है उसके अपोजिट लगा हुआ है। तो यहाँ से क्या करेगा, जब छोटा गियर बड़े गियर को ड्राइव देगा तो स्पीड कम हो जाएगी और एक टार्क मिल जाएगा, क्योंकि इंडस्ट्रियल एरिया में यूज होने वाली चीज़ है तो यहाँ पर हमें टार्क की ज़्यादा ज़रूरत होती है। थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर एंड कमेंट।